हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ माय मोटिवेशनल वीडियो नंबर 11। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज का टॉपिक रहेगा हमारा हाउ टू इम्प्रूव एंड हाउ टू मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ, कि कैसे तुम तुम्हारे जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हो या खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं वैसा 30 तरीका लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, 30 वेज टू मेक प्रोग्रेस और 30 वेज टू इम्प्रूव योर प्रोग्रेस। अपने लाइफ में तुम ये फ़ायदा निकाल सकते हो, वैल्यू कर सकते हो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो जल्दी उठने का आदत बहुत अच्छा होता है, वेक अप अर्ली। जितना हुए कोशिश करो कि तुम क्या कर सको, जल्दी उठ सको। क्योंकि तुम अगर मॉर्निंग में जल्दी उठोगे तो जिससे क्या होगा कि तुम दिन में ज़्यादा काम कर सकोगे, तुम दूसरे लोगों से दिन में ज़्यादा काम कर सकोगे। तो हमेशा ये हैबिट रखना बहुत अच्छा होता है कि वेक अप अर्ली। उसके बाद रीड डेली, कम से कम दिन में 10 पेजेस तो रीड करने ही चाहिए, तो रीड डेली, ये भी बहुत अच्छा हैबिट होता है। उसके बाद ईट वेल, प्रॉपर डाइट, ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं, और प्रॉपर डाइट वाला खाना बेहतर होता है। लव योर सेल्फ, हमेशा खुद से प्यार करो, खुद की कदर करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को प्राउड फील कराओ, तो तुमको भी काम करने में मज़ा आएगा। जज लेस, दूसरों को कम तोलो, दूसरों को कम जज करो, वो अपना काम नहीं है। अपने को अपने काम से मतलब रखना है, अपने को अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। बी योर सेल्फ, हमेशा खुद में रहो, खुद में खुश रहो। सेट गोल्स, अपने जीवन में छोटे छोटे गोल्स सेट करो। प्लान योर डे, पूरा दिन तुम्हारा प्रॉपर प्लान करो कि हम को आज पूरे दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड, हर एक के अगेंस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सीखो। भले अपने साथ कोई कुछ भी करे, पर अपने को उनके साथ कैसे रहना है, पॉजिटिवली रहना है। भले अपने को कष्ट होगा, पर वो एक ना एक दिन तुमको उसका रिटर्न और रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। उसके बाद हैव पर्पस, मतलब तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। एक पर्पस फाइंड करो खुद का कि तुम ये क्यों करना चाहते हो या तुम ये क्यों बनना चाहते हो। तो तुम्हारे जीवन में वो एक पर्पस होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फाइंड इंस्पिरेशन, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहो, कुछ ऐसे लोगों को मेंटर बनाओ कि जिससे तुम इंस्पायर होते हो, कि जिससे उनसे लगकर, अपने मम्मी पापा भी एक इंस्पिरेशन ही है अपने लिए, कि उन्होंने भी अपना लाइफ बहुत मेहनत किया है और अपने लिए आज वो क्या कर रहे, बहुत स्ट्रगल, बहुत सेक्रीफाइस किया है, तब अपने को आज ये लाइफ उन्होंने क्या किया है, प्रोवाइड किया है। उसके बाद हमेशा दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स जितना तुम कर सकते हो उतना। नेटवर्क अच्छा रखो, अच्छे लोगों में रहो। सेव मनी, ये भी अच्छी हैबिट है, हमेशा पैसे बचाने का काम करो। ऑटोमेट, तुरंत जो भी नया चीज़ आ रहा है उसको ऑटोमेट करो। डेलीगेट, अगर तुम कुछ काम दूसरों को डेलीगेट कर सकते हो तो करो जिसमें वो एक्सपर्ट है। उसके बाद ट्रैक फाइनेंस, अपने फाइनेंस का ट्रैक रखा करो। बिल्ड अ ब्रांड, खुद का एक ब्रांड बनाने का कोशिश करो। फेल फास्ट, अगर तुम जल्दी से फेल भी हो जाता है तो गिव अप मत करो, हार मत मानो, और उसमें क्या गलती की वो ढूंढो, लेसन क्या लर्न किया, मिस्टेक क्या हुए, सुधारो और वापस कम बैक करो। इंटरैक्ट, जो उस लेवल के उस फील्ड वाले उनसे ज़्यादा इंटरैक्ट करो कि जिससे क्या तुमको नया चीज़ उसके बारे में जानने मिलेगा, कहाँ तुम पीछे रह गए या क्या तुम और अच्छे से कर सकते थे, तुमको ये पता चलेगा। लर्न स्किल्स, नया नया स्किल्स लर्न करते रहो। इन्वेस्ट करो, जर्नल बनाओ प्रॉपर खुद का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेडिटेट करते रहो। गेट अ मेंटोर, एक मेंटोर रखो अपने लिए। थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचो तो तुमको जीवन में मिलेगा भी बड़ा। बी प्रोडक्टिव, हमेशा एक्टिव रहो, प्रोडक्टिव रहो काम के लिए। डू मोर, जो दूसरे लोग कर रहे हो उसे कुछ ज़्यादा करो, तो तुमको भी ऐसा लगेगा कि तुमको भगवान भी कुछ ज़्यादा देगा दूसरों से। स्पेंड वाइजली, कमाओ अच्छे से पर स्पेंड वाइजली करो, जिधर ज़रूरत है उधर ही खर्चा करने का, वरना बेफिजूल मतलब का कोई खर्चा नहीं करना है। बी एम्बिशियस, हमेशा जीवन में क्या रहना है, एम्बिशियस, मतलब अपने एम्बिशंस होने चाहिए, अपना ड्रीम होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि अपने को क्यों ये बनना है या क्यों ये करना है। तो ये सब चीज़ अपना अगर अपने को पता होगा तो अपन खुद में वो जल्दी क्या ला सकते हैं, उसके ऊपर मेहनत करके, काम करके प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं, जिससे अपने को फ्यूचर में क्या हासिल होगा, सक्सेस हासिल हो जाएगा। ये मेरे को भी, मैं भी इसमें से बहुत सारी चीज़ फॉलो करता हूँ, तो मेरे को लगा आज ये तुम्हारे साथ, मैं भी ये फॉलो करता हूँ तो शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आज तुम्हारे साथ ये शेयर किया है। अब मैं एक जैकी चैन का एक मेरा बहुत फेवरेट कोट है, वो मैं तुमको बताने वाला हूँ आज, कि व्हेन आई वॉज यंग आई ट्रेन माई माइंड, मैं मेरे माइंड को ट्रेन करता था, ट्रेन माई आइज, ट्रेन माई थिंकिंग हाउ टू हेल्प पीपल, कि कैसे मैं दूसरों को ये सब ट्रेन करके दूसरों की मदद मैं कैसे कर सकूँगा, एंड इट ट्रेन मी, और ये सब करते करते मैं खुद सीख गया। एंड हाउ टू डील विथ प्रेशर, कि कैसे प्रेशर को मैंने क्या किया, काम ली, मैंने उसको क्या किया, हैंडल किया, और मैंने सारे मेरे जीवन के प्रेशर के या प्रॉब्लम के क्या निकाले, अच्छे से सॉल्यूशंस निकाले खुद ब खुद, ऐसा जैकी चैन का कहना है। तो इससे आज का मेरा ये वीडियो फिनिश होता है। आई होप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ तुम क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ हर रोज़ देखते रहो। थैंक यू।